उसमें चार बाती लगाई है जो 64 रिद्धियों का प्रतीक है, एक दीपक में चार। और आपने घर से लाइए ये निर्माण लाड़ू, मंदिर में मिले तो ठीक, नहीं तो घर से बना के लाएं। निर्माण लाड़ू पेवर शक्कर का ही होना चाहिए, कोई बूंदी का चढ़ाते हैं, कोई गरी का बना के चढ़ाते हैं, कोई बर्फी काट के चढ़ाते हैं, कोई बेसन के चढ़ाते हैं। ये नैवेद्य नहीं है, ये लाड़ू है, इसका रीजन है। लाड़ू चढ़ाया नहीं जाता, ये प्रतीकात्मक है। लाड़ू का क्यों चढ़ाना शक्कर अकेले का? क्योंकि भगवान को जो सुख हुआ है वो छायोपशमक सुख नहीं है, मिश्रित सुख नहीं है, इंद्रिय और कर्म से आश्रित नहीं है, स्वयं पर के मिश्रित नहीं, पेवर शुद्ध हुआ है। पेवर शुद्ध, कोई दूसरी चीज नहीं मिलाना उसमें। मिठाई क्यों रखना? बेसन का बन सकता है, नहीं, मीठा रखना आनंद का प्रतीक है। फिर इसका आकार, आकार गोल नहीं बनाना, ये लाड़ू नहीं है, ये लाड़ू है, लड्डू नहीं है। लोग कहने लगे लड्डू है लड्डू, ये लड्डू नहीं है, लाड़ू है लाड़ू। लाड़ू यानी प्यारा, लाड़ू यानी इष्ट। राजस्थान में बेटी को बोलते लाड़ी, लाडो लाडो लाडो, बेटी को बोलते ना लाडो लाडो लाडो, लाडो से लाडू बना है। लाडो यानी प्यारा, जो हमें इष्ट है, जो सबको प्यारा है, वो सिद्ध शिला सबको प्यारी है। तो वो लाड़ो से यानी प्यारा सिद्ध शिला सम्यक दृष्टि को पूरे जीव पृथ्वियों में सबसे अच्छी पृथ्वी कौन सी है? अष्टम वसुधा पाने को, ऐसा कोई अर्घ आता है अष्टम वसुधा प्रिय, वो अष्टम वसुधा का नाम लाड़ो रख दिया गया, प्यारा। अब उसका आकार कैसा होना चाहिए? आकार होना चाहिए मटके को आप भर दीजिए, आधा, पूरा नहीं भरना, पूरा भरते लड्डू हो गया, आधा मटका भर दीजिए, फोड़ दीजिए, तबला के आकार का जो बनता है वो लाड़ू कहलाता है, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। ये रीजन है, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। दीपक में जमा दीजिए और सिद्ध शिला के ऊपर फिर आप जाकर के उसमें एक कपूर की बाती या दीपक रख दीजिए, वो दीपक सिद्ध भगवान का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी कहां पहुंच गए हैं? उसका एड्रेस है लाड़ू। भगवान महावीर स्वामी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किस रूप में हैं? आनंद में हैं, असहाय सुख है यानी स्वावलंबी सुख है, और इस आकार की सिद्धशिला है उसके ऊपर विराजमान है। ये है लाड़ू की परंपरा। कई लोग इसको नैवेद्य, बहुत आजकल लोगों ने हट कर लिया, नहीं मैं तो नुक्ति का ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि नुक्ति का इसलिए चढ़ाते कि वो खाने में काम आ जाता है बाद में, या यूं कहना चाहिए अच्छी तरह बन जाता है। कई लोग बर्फियां काट के चढ़ा देते हैं, नहीं, एक प्रतीकात्मक जैन दर्शन की कोई भी क्रिया है प्रतीक है उसका, कोई ना कोई प्रतीकात्मक है, कोई ना कोई उसका प्रतिबिंब है, कोई ना कोई उसकी छाया है। आठों द्रव्य अपन चढ़ाते हैं, जन्म जरा मत जलम एक प्रतीक है। ऐसा कभी मैंने आठों द्रव्य के संबंध में कई बार बताया है मैंने कि कैसे प्रतीक है, इनको क्यों रखा गया। तो ऐसे ही रूढ़ियाँ नहीं है, ऐसा निर्माण लाड़ू चढ़ाना चाहिए। और घर के अंदर आपको बनाना है, दिन में बनाइए, घर में भी 16 दीपक रखिए, तीर्थंकर प्रकृति कारण नहीं, 16 का 16 64 बातियों के निमित्त से रखिए, और 64 क्योंकि गणधर परमिष्ठि 64 रिद्धिधारी महाराज थे। घर में बराबर कोई व्यक्ति शुद्ध स्थान बनाइए उसको, अष्टद्रव धोकर रखिए, श्रीफल आदि रखिए, और बराबर जैसा मंदिर में धोती दुपट्टा पहनते हैं, पुरुष वर्गों को शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, पूरे परिवार को पहनना चाहिए, महिलाओं को भी शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, और बैठ करके बढ़िया ठाठ से पूजन करना चाहिए जैसे मंदिर में करते हैं, विधान में करते हैं, बाकायदा करके मौनी बंद बांध करके सकलीकरण करके पूजा करिए। पूरी पूजा भगवान महावीर स्वामी की करना है तो करिए, नहीं तो गौतम गणधर की पूजा है। पूजा करने के बाद फिर आप उसको, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप अखंड दीपक जलाइए, पूरी रात्रि जलने दीजिए। भगवान निर्माण के बाद वहाँ अखंड दीप की स्थापना का उल्लेख मिलता है,
केंद्र आकर के वहाँ अखंड दीप जाकर के स्थापित करता है, तो आप उसके रूप में एक अखंड दीपक, लेकिन अखंड दीपक को ढक के रखिए, नहीं तो उसमें कितने जीव जंतु बढ़ जाएंगे, कितने जीव मरेंगे, उसको ढक कर के व्यवस्थित रखिए। और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए, सभी लोग जागरण नहीं कर सकते हैं, तो बारी बारी से एक जागरण कीजिए, भक्तांबर पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ, कोई भी स्थिति रात भर गुनगुनाते रहना चाहिए। श्रेष्ठतम बता रहा हूँ, उसी जहाँ पर दीपक जलाए थे उसी स्थान पर जाप करिए, पाठ करिए, एक नहीं कर सकता, बारी बारी से करिए, अच्छा है। तेल के दीपक नहीं जलाना, घी का जलाना, तेल का दीपक निम्न लोगों के लिए जलाया जाता है, तेल किसी भी साथ में तेल का दीपक, अरहंत देव सात गुरु को कभी तेल का दीपक नहीं जलाना। देव सात गुरु के लिए तीन ही दीपक मान्य हैं सगुन के रूप में, घृत का, रत्न का और कपूर का। घी नहीं है तो कपूर सबसे बढ़िया है, रत्न आज है नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी जलाए, लेकिन सगुन जलाए, तेल नहीं। तेल के कई जगह तेल के दीपक जलते दिवाली को, वो सगुन के रूप में नहीं, प्रकाश के लिए जलाओ आप तेल, उजाले के लिए, लेकिन दिवाली सगुन के लिए है। तो ऐसा करके बही खाते आदि की पूजन आदि करने का अर्थ है मांगलिक करना, सगुन करना, केसर हल्दी को लेकर के उसका सगुन कर लेना, स्वस्तिक बना लेना, बस ये। अब आपके यहाँ एक दुकान की व्यापार की परंपरा चली है, तो वहाँ दुकान की पूजा हमारे शास्त्रों में नहीं है।